नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा यूसर्क लेक्चर सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज यूसर्क लेक्चर सीरीज़ के अंतर्गत हमारे मध्य मौजूद हैं हमारे विशेष मेहमान डॉक्टर हेमंत कुमार जोशी जी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री डिवीज़न एसआईटी सीमांत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिथौरागढ़ से, और आज आपका व्याख्यान रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री पर। तो मैं सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ और सर को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करता हूँ। गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में खास तौर पे हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की जो पार्ट्स हैं उसके बारे में हम समझेंगे, जैसे कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, एंड इट्स बिहेवियर फॉर इलेक्ट्रॉन्स। जब शुरुआत अगर हम करते हैं तो शुरुआत करते हुए हमें सबसे पहले ये जानना है कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या मतलब है, कि कंडक्टेंस होती क्या है और ये इलेक्ट्रोलाइट्स कहते किसे। अगर जब हमें इस बारे में एक्सप्लेनेशन देना हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स सच केमिस्ट्री विच इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द मूवमेंट ऑफ द आयंस। और जब कंडक्टेंस की हम बात करते हैं, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, और इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वह आयन से बने हुए हैं, और आयंस का मूवमेंट जितना अधिक होगा उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। आयंस में अब इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन किया जाए तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो मोल्टन स्टेट में है। दो बातें हैं, एक तो उसकी पिघली हुई अवस्था है मोल्टन, और दूसरा डिसॉल्व स्टेट में। इफ दीज सब्सटेंसेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन मोल्टन एज वेल एज डिसॉल्व स्टेट, देन दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। मान के चलते हैं NaCl हमारे पास है, NaCl सॉलिड फॉर्म में कोई भी कंडक्शन नहीं करेगा, लेकिन जब NaCl को हम डिसॉल्व करते हैं तो इसमें कंडक्टेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब डिसॉल्व करते हैं तो NaCl के जो आयंस हैं सोडियम और क्लोराइड, ये मूव करेंगे तो मूवमेंट की वजह से कंडक्टिविटी होती है, और कंडक्टेंस इसी इलेक्ट्रोलाइट्स के बेसिस पे आता है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर डिफाइन किया जाए तो इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और दूसरी हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों की बिहेवियर कंडक्टिविटी के लिए अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कंप्लीट डिसोसिएशन होते हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है जिनका। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम बोल सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड, KCl, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसी तरीके से हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं होते हैं, अपने कंप्लीट आयंस में डिसोशिएट नहीं हो पाते हैं, उन्हें हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास हैं CH3COOH, जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाता है, डिसोशिएट नहीं हो पाता है। एंड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हम इलेक्ट्रोलाइट्स की टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरीके के होते हैं, एक को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं और दूसरे को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले समझा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर, और इसको हम बोलते हैं आयोनाइज्ड, कंप्लीटली आयोनाइज्ड, एंड इट इज फीबली आयोनाइज्ड। आयोनाइजेशन होता है लेकिन कम आयोनाइजेशन होता है, क्योंकि डिसोसिएशन पूरी तरीके से नहीं हो पाता। वी हैव सम एग्जांपल्स, हम पहली बात करते हैं H2CO3, CH3COOH,
एंड वी हैव NH4 OH ओनली हाइड्रोक्साइड. इफ यू विल से व्हाट इज द रेजिस्टेंस, हमें समझना है कंडक्टेंस को, तो कंडक्टेंस समझने से पहले अगर हम रेजिस्टेंस समझें, क्योंकि कंडक्टेंस जो है उसको हम इंडिकेट जब सी से करते हैं तो वो हमेशा रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के. जितना रेजिस्टिविटी होगी कंडक्टेंस उतनी कम होगी, और कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के बीच में इनवर्स रिलेशन भी आप समझ सकते हैं, रेजिस्टेंस कम होगा कंडक्टिविटी हमेशा ज़्यादा होगी. तो कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. अगर हम कंडक्टेंस की यूनिट हम जानने की कोशिश करें वह हमें मिलेगी आर, यानी महो. और कंडक्टेंस समझने से पहले हमें समझना है आर. आर इज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस हमेशा अगर हम देखा जाए तो एरिया और लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है. कैसे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ. जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा. और आर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, जिसको हम बोलते हैं एरिया. यानी इन दोनों को अगर हम कंबाइंड करें तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. और जब कोई चीज प्रोपोर्शनल है तो देयर शुड बी अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हियर इंडिकेटिंग एज अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम नाम देते हैं रो और जिसका नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. एंड आर इज नाउ इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए. ये तो बात रही आर की. आर और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसी वजह से हमारे पास एक नया टर्म आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस. स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको इंडिकेट किया जाता है कप्पा से इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एंड हियर इट इज इंडिकेटेड बाय रो. इफ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ रो फ्रॉम दिस इक्वेशन फ्रॉम वेयर वी हैव कैलकुलेटेड आर, एंड रो इज इक्वल टू नाउ इसकी इस इक्वेशन से हम निकालते हैं आर इंटू ए अपॉन एल. तो रो की वैल्यू हमें मिलेगी तो हम देखेंगे ये हो जाएगा 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए. नाउ कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए. हेयर 1 अपॉन आर इज द कंडक्टेंस एंड एल अपॉन ए इज नाउ नोन एज सेल कॉन्स्टेंट. यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैन फर्दर रिलेटेड विद कंडक्टेंस लाइक दिस. और सेल कॉन्स्टेंट एल अपॉन ए हमारे सामने है, और एल अपॉन ए का मतलब क्या है? यदि हमारे पास कोई एक बीकर है जिस बीकर में हमने कंडक्टिविटी सेल रखा है, और कंडक्टिविटी सेल अगर दो इसके इलेक्ट्रोड हैं, एक इलेक्ट्रोड का एरिया हमारे सामने है और दूसरे इलेक्ट्रोड का भी एरिया हमारे सामने है, तो इस बेसिस पे हम इसका एक कांस्टेंट निकाल सकते हैं. और हर इलेक्ट्रोलाइट के लिए एल अपॉन ए यानी सेल कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है. आगे समझने की कोशिश करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बाद. कंडक्टेंस दो और प्रकार का हमें समझ में आता है, एक है मोलर कंडक्टिविटी और दूसरी वैल्यू है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. नाउ वी हैव द न्यू टर्म्स मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जैसे ही इनके नाम हमारे सामने आ रहे हैं हम उससे इजीली समझ सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी का क्या मतलब है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का क्या मतलब हमारे सामने आता है. स्पेसिफिक मोलर कंडक्टेंस में ये टर्म हमारे पास आया मोल. इसका मतलब ये है कि एक मोल सब्सटेंस के द्वारा जो उसकी कंडक्टिंग पावर है, एक मोल को जब हम डिसॉल्व करेंगे किसी सब्सटेंस के, उस एक मोल को डिसॉल्व करने के बाद जो उस सॉल्यूशन की कंडक्टिंग पावर है, तो वह कंडक्टिंग पावर स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगी.
when one mole of the substance or electrolyte is dissolved and the conducting power of one mole of the substance is known as molar conductivity. इसी शब्द को अगर इक्विवेलेंट में हम समझने की कोशिश करें और इक्विवेलेंट में हम बोलेंगे वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, यानी एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट की द्वारा जो उसकी कंडक्टिंग पावर है उसे हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के नाम से जानेंगे. और इसको समझने के लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं और उस एग्जांपल्स में हम सबसे पहले इसमें जानने की कोशिश करते हैं द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी. हेयर द मैथमेटिकल रिलेशन फॉर द मोलर कंडक्टेंस, अगर हम मोलर कंडक्टेंस को इंडिकेट करें लैम्डा एम से तो मैथमेटिकली इसको हम बोल सकते हैं कप्पा इनटू द वॉल्यूम. अब ये वॉल्यूम के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है क्योंकि हम वॉल्यूम में एक मोल इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं. एक मोल इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं मोलरिटी की. यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 1000 डिवाइडेड बाय एम. एम इज हेयर द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. कप्पा यू नो स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड लैम्डा एम, स्पेशली हमने एक वर्ड यूज किया है एम फॉर द मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस. और इसी तरीके से हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को भी हम इजीली मैथमेटिकली लिख सकते हैं. और अगर हम इसको इंडिकेट करें लैम्डा ई क्यू से तो लैम्डा ई क्यू इज इक्वल्स टू हेयर वी हैव द कप्पा, कप्पा एंड द वॉल्यूम, कप्पा इनटू द वॉल्यूम. बट द वॉल्यूम इन केस ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विल बी रिटन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलिटी. बिकॉज if you define the definition, if you define basically the molarity and normality, molarity is basically the number of moles in 1 liter of solution and the normality is the number of gram equivalents in 1 liter of solution. So, dono ki definition mein yahan pe equivalent aata hai aur yahan pe hame molarity milti hai. To molar conductance aur equivalent conductance ko hum mathematically easily hum samajh sakte hain aur mathematically इसको समझने के लिए हमें सिर्फ वॉल्यूम समझना है. और वॉल्यूम हम एक केस में मोल लेते हैं, वन मोल लेते हैं, और दूसरे केस में हम वन ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं. जब ग्राम इक्विवेलेंट्स की हम बात करते हैं तो दोनों केस में हम मैथमेटिकली इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं वेरी कंफर्टेबली. नाउ वी हैव द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी. नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द अनदर टॉपिक और ये टॉपिक काफी समझने के लिए जरूरी है. थोड़ा सा कंसेप्ट इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इन कंडक्टिविटी. एक सिंपल सा कंसेप्ट समझते हैं हम. अगर हमारे पास कोई बीकर है, इस बीकर में एक सॉल्यूशन ऑलरेडी तैयार है, वी आर एडिंग वाटर ऑन इट, हम इसमें पानी मिला रहे हैं. पानी मिला रहे मींस वी आर इंक्रीजिंग डाइल्यूशन एंड द सेम वे वी आर डिक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन. इंक्रीज कर रहे हैं पानी को तो डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं जिसको हम, और डिक्रीज कर रहे हैं तो हम उसको कंसेंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं. डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हैं तो और उसकी कंसेंट्रेशन को कम करते हैं. तो जब डाइल्यूशन बढ़ाएंगे number of moles will remain same but the number of moles will get excess amount of area for the movement. जैसे जैसे हम इसका एरिया बढ़ाते हैं यानी हम इसका डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो कंसेंट्रेशन कम हो रही है, लेकिन इन आयंस को मूव करने के लिए वी आर हैविंग द एक्सेस अमाउंट ऑफ एरिया. मूवमेंट बढ़ गया तो कंडक्टिविटी इन सिंपल वे इंक्रीज करती है. एंड द सेम वे इफ वी आर अप्लाइंग टेम्परेचर ऑन इट, अगर यदि हम इसमें तापमान बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी क्योंकि कंडक्टिविटी डिपेंड करती है रेजिस्टेंस के ऊपर और रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ही अधिक उसकी कंडक्टिविटी होती है. इसको बड़ी आसानी से ग्राफिकल मेथड से समझा जा सकता है, ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं क्योंकि
जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के हमने अभी समझे थे इलेक्ट्रोलाइट्स, और दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स में डाइल्यूशन का अलग अलग इफेक्ट पड़ता है. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन. इसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कंसेंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी, ये कंसेंट्रेशन रूट कंसेंट्रेशन हम यहाँ पे ले लेते हैं कंसेंट्रेशन, और कंसेंट्रेशन ले रहे हैं और इस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमने देखा ग्राफ प्लॉट करते हैं. तो व्हेन वी आर प्लॉटिंग अ ग्राफ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. तो डेफिनेटली as soon as the water is increasing or the dilution is increasing the volume the molar conductivity get increases. क्यों? क्योंकि जब हम इसको graphically हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हम experiment देखते हैं, तो experiment पे लगभग हमें जो graph मिलता है concentration और molar conductivity के बीच में वह steep मिलता है. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम dilution बढ़ा रहे हैं means we are decreasing the concentration. If you are decreasing the concentration, the value is increasing. Suppose हमारे पास एक value यहाँ पे, दूसरी value हमारे पास इस point पर, यानी concentration कम हो गई, concentration कम हुई, तो इसकी lambda m की value बढ़ गई. इसी तरीके से और concentration कम हुई, dilution बढ़ा, लेकिन lambda m की value बढ़ गई. एक point के बाद conductance बढ़ना बंद हो जाता है. उसके पीछे का कारण सिर्फ एक है कि एट अ सर्टेन पॉइंट, एक निश्चित बिंदु पर जहां पर कंडक्टिविटी बढ़ना बंद हो जाती है, उस बिंदु को हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन. इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो वैल्यू आएगी उसको हम इंडिकेट करते हैं लैम्डा एम इंफिनिटी, जिसके लिए एक वर्ड और यूज किया जा सकता है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. मतलब इस ऐसा बिंदु जिस बिंदु के बाद मोलर कंडक्टिविटी बढ़नी बंद हो जाती है, और ये बिहेवियर और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है. व्हाई इट इज सो, बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स गेट कंप्लीटेड, यानी पूरी तरीके से आयन आयनाइज हो जाए. मान लो हमारे पास यूनिवेलेंट आयन ए भी है, तो एक पॉइंट के बाद इसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 100% आपको मिलेगी. जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है और इसकी वैल्यू 1 है, तब जाके ये ग्राफ हमें मिलेगा. फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मोलर कंडक्टिविटी गेट इंक्रीजेस एज द डाइल्यूशन इज इंक्रीजेस, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द डाइल्यूशन इज मैक्सिमम देयर विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स लैम्डा मोल m and the lambda m indication यहाँ पर डायल्यूट कर का इनफाइनाइट का अगर इंडिकेशन करते हैं तो इस टर्म्स को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन. इनफाइनाइट अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इसको हिंदी में अगर बोले अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास एक केस बना जिसमें हमने समझा कि एक बिंदु पर आसानी से हम इसकी मोलर चालकता मोलर कंडक्टिविटी अंडरस्टैंड कर सकते हैं. दिस ग्राफ कैन बिलोंग टू द केसीएल. नाउ इफ यू विल सी द बिहेवियर ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स देन व्हाट विल हैपन, ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसमें मोलर कंडक्टिविटी क्या बिहेव करती है. अब अगर इसका ग्राफ हम देखें तो मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक लिमिट तक बढ़ती है. देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं हम जिस तरीके से ग्राफ हमारे पास आ रहा है, कंसेंट्रेशन हम अगर हम कम करते जाते हैं यानी डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती है, और धीरे धीरे बढ़ती है एक पॉइंट के बाद आके एक कॉन्स्टेंट वे में बढ़ने लगती है, और ये कांस्टेंट वे में बढ़ती है और हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाती, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में जितना हम डाइल्यूशन करेंगे जितना हम वाटर ऐड करेंगे
उसकी डिसोसिएशन बढ़ते जाएगा. मीन्स दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट विल डिपेंड अपॉन द डिसोसिएशन स्पेशली. और डिसोसिएशन में स्पेशली अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितना अधिक होगा उतने इसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी. बट विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई और डिफाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. बट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जब कभी भी हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लैम्डा एम की वैल्यू बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं. इफेक्ट अगर हम एक बार फिर से जानने की कोशिश करें क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इंक्रीज करता है मोलर कंडक्टिविटी का की वैल्यू इसकी इसका मान जब हम कंसेंट्रेशन को कम कर रहे हैं या डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं. आफ्टर इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी गेट इंक्रीजेस एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इट increases but after a certain period of time it is a constantly increasing. और उस वक्त हम इसको infinite dilution नहीं बोल रहे हैं, because जितना हम इसमें dilution बढ़ाते हैं dilution के बढ़ने के साथ साथ ये और dissociate होता है और completely dissociate नहीं हो पाता. अगर इसका हम graphical देखना चाह रहे हैं तो ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा. इफेक्ट ऑफ dilution के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कॉलरॉस का के द्वारा स्टडी किया गया कि कॉलरॉस ने स्टडी किया कि जब हम डाइल्यूशन की हम बात करते हैं तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम अभी बात कर चुके हैं कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन इज कंप्लीट, जब डाइल्यूशन की बात करते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है व्हेन डिसोसिएशन गेट कंप्लीटेड पूरा डिसोसिएट हो जाता है आयन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट ईच एंड एवरी आयन. क्या मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई ए बी इलेक्ट्रोलाइट है हम जानते हैं जब ये डिसोसिएट होगा तो ए प्लस और बी नेगेटिव बनेगा. और कॉलरॉस ने कहा कि जब इस इलेक्ट्रोलाइट का कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो ये जो आयन है इंडिविजुअल कैटायन और एनायन इन दोनों इंडिविजुअल कैटायन और एनायन का मोलर कंडक्टिविटी पर इंडिविजुअल इफेक्ट पड़ता है. इन मींस मोलर कंडक्टिविटी फॉर दिस ए बी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हम यहाँ पे इंडिविजुअली बोल रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी के लिए हम एम लैम्डा यूज किया, इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने ए बी यूज किया, हम बात करते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन स्पेशली ए पॉजिटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस लैम्डा एम फॉर बी नेगेटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. दिस इज कॉलरॉस लॉ. कॉलरॉस सेज दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन ऑफ आयंस और इलेक्ट्रोलाइट्स गेट कंप्लीट द कंडक्टिविटी विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच cation and anion and the molar conductivity for the electrolyte at infinite dilution will always be equal to the summation of molar conductivity of the individual ion. pratyek ion ki molar conductivity ka pure solution ke electrolyte ke upar निर्भर करता है और वो एक दूसरे के समीशन के इक्वल हमारे सामने आता है. तो कॉलरॉस लॉ सेज वंस मोर इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट द लैम्डा मैक्स फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट विल गेट द समीशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. अनंत तंत्र पर कॉलरॉस ने ये अपना नियम दिया. अगर हम इस नियम की एप्लीकेशन की बात करते हैं हाउ एंड व्हाई वी आर गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम कॉलरॉस लॉ तो उसको हमें ये समझना है. ये तो हम यूनिवेलेंट आयन की हम बात करते हैं, बाई बाईवेलेंट के आयन की भी आप बात कर सकते हैं, यूनिबाईवेलेंट आयन की हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी सबसे पहले महत्वपूर्ण एप्लीकेशन की हम बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कॉलरॉस लॉ. एप्लीकेशन क्या इसका एप्लीकेशन है, सबसे पहले हम बात करते हैं we can easily identify the molar conductivity
of weak electrolyte at infinite dilution if we get to know the value of alpha. Alpha is degree of dissociation. Here, alpha is always equal to the molar conductivity of electrolyte and the ratio between molar conductivity of electrolyte at infinite dilution. Infinite dilution की वैल्यू हम अगर अल्फा की वैल्यू हम जानते हैं तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. एप्लीकेशन में सबसे पहले ये आता है कि वी कैन इजीली फाइंड आउट एनी वैल्यू. लेट अस सपोज इफ यू आर हैविंग द वैल्यू ऑफ अल्फा वी कैन गेट एंड वी हैव वैल्यू ऑफ लैम्डा एम वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम इनफिनिटी. पहला एप्लीकेशन. दूसरा एप्लीकेशन इस पे आता है कि हम कोलरोस लॉ की हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वी कैन easily find out the molar conductivity for weak electrolyte at infinite dilution. Infinite dilution पर हम किसी भी weak electrolyte की molar conductivity निकाल सकते हैं. We have few examples और कुछ examples से हम पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि इस weak electrolyte की value हम कैसे निकाल सकते हैं. Let us suppose we have three strong electrolytes. Like we have NH4, Cl, Na, Cl, or Na, OH. हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास तीन strong electrolytes हैं. अगर तीन strong electrolytes हमारे पास हैं, तो हम तीन electrolytes की help से, खास तौर पे strong electrolyte की help से, weak electrolyte के खासतौर पर NH4OH जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलरोस लॉ. व्हाई? बिकॉज कोलरोस लॉ सेज दैट ईच एंड एवरी आयन कंट्रीब्यूट टुवर्ड द मोलर कंडक्टिविटी फॉर द इलेक्ट्रोलाइट्स. हाउ? द लैम्डा एम फॉर NH4OH विल एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू द मोलर कंडक्टिविटी of NH4Cl at infinite dilution plus molar conductivity of NaOH at infinite dilution minus molar conductivity of NaCl at infinite dilution. If we are using the Kolmogorov's law, we can split these molar conductivities into their individual ions like lambda m infinity for NH4 positive plus lambda m infinity for Cl negative plus lambda m infinity for NaOH plus lambda m infinity for OH negative plus even we will put the sign negative minus lambda m Na plus at infinite dilution minus because this sign is minus, तो जोड़ने के बाद ही जो minus है, उधर लिख लिया जाएगा, lambda m Cl negative. By equation, we can say that this value will get cancelled out, and the remaining value will be lambda m infinity for NH4 plus lambda m for OH negative at infinite dilution. Hence, we can easily calculate the value of molar conductivity for weak electrolytes with the help of strong electrolytes. यदि हमारे पास NH4Cl, NaCl, NaOH तीन strong electrolytes की values हैं, हम easily इनकी मदद से NH4OH जो कि weak electrolyte है, इसकी molar conductivity easily find out कर सकते हैं, और this is the method. And अगर हम एक example और देखना चाहें, हम एक example और देख सकते हैं जो कि इसी बेस पे आधारित है. हम सिंपल सा हमें ये समझना है कि जब कंट्रीब्यूटिंग आयन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे इवन नेगेटिव आएगा, तो कंट्रीब्यूटिंग आयन्स की बात करते हैं, कोलरोस लॉ को हम फुलफिल कर रहे हैं, तो ये कंसेप्ट अप्लाई किया जा सकता है. अभी हमने जो कोलरोस लॉ पढ़ा था जिसमें हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू निकाल सकते थे, हमने कहा मोलर कंडक्टिविटी की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. वी हैव द अनदर एग्जांपल. अगर हमें एसिटिक एसिड जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, और मोलर कंडक्टिविटी कब निकालनी है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर. तो हम तीन मोलर
कंडक्टिव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोनो कंडक्टिविटी की वैल्यू की मदद से आसानी से इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एज वी नो दिस कैन बी इजली रिटर्न। अब अगर हम लैम्डा कैपिटल लैम्डा लें तो कैपिटल लैम्डा फॉर सीएचथ्री सीओएच विल बी इक्वल टू कैपिटल लैम्डा फॉर मोलर कंडक्टिविटी फॉर सीएचथ्री सीओओ एनए प्लस मोलर कंडक्टिविटी फॉर एचसीएल प्लस माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl। मींस इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ CH3CO Na एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ HCl एट फॉर इन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वी कैन सबट्रैक्ट इट थ्रू NaOH एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा m इनफिनिटी फॉर CH3COH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन मेल मी एट hemantkumar777@gmail.com। थैंक यू।